बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपको। हमें राजेंद्र सिंह और आज बुंदेली दर्पण की बुंदेली धर्म परिक्रमा की टीम आपके लेके चल रही बुंदेलखंड के दतिया जिले के देवी रतनगढ़ मंदिर पे, जिते भाई दूज के मौके पे लगत है लक्खी मेला। मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित लोग के काटे जात हैं ते बंध, जहरीले नाक के काट लेवे के बाद देवी रतनगढ़ माता के नाम की बंध लगावे पे नहीं होत सांप के काटबे को जहर को असर। दीपावली की भाई दूज को लगने वाले मेला में इतने सर्पदंश पीड़ित के लेके आने पड़त है। आस्था को सैलाब देवी रतनगढ़ को जो मंदिर जी में बीते रोज 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करो। शासन प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रही। 5,000 से अधिक कर्मचारी थे तैनात करे गए। जो मेला हर बरस दूज के दिन लगत है दीपावली के बाद, और लोग दूर दराज से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई जिलन के लोग लाखन की तादाद में रतनगढ़ वाली माता और कुंवर बाबा के ये प्रसिद्ध स्थान पर दर्शन करवे आउत हैं। आपके बता दिए सिंध नदी के किनारे ऊंची चोटी पे विराजी है माता, जो सिद्ध स्थान दतिया जिले के सेवढ़ा तहसील अंतर्गत जंगल में स्थित है। और इत पे पूरे बरस भक्तन को आबो जाबू लगु रहा, लेकिन जब दीपावली के बाद दूज में जो मेला लगत है तो माता के दरबार में लाखन भक्तन को हुजूम उमड़ पड़त है। ऐसी भी मान्यता है कि माता सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। सिंध नदी के तट के ऊपर स्थित एक चोटी पे जो स्थान अत्यंत मनोहारी लगत है, और माँ की दर्शन करके लोग अपने आप के धन्य समझते हैं। अलग अलग तरीका से माँ की दर पे लोग आउत हैं, कोनो भजन कीर्तन गात है तो कोनो दीवारी नृत्य नृत्य इतने पे आउत है। तस्वीरन में आप देखो कैसे बूढ़े बुजुर्ग लोगन के लोग अपने कंधन पे लेके माता के दर्शन करावे ले आउत हैं, और लाखन भक्तन को जो हुजूम उमड़ पड़त है। I don't know.